एनिमेशन पीसेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ बिहेवियर्स होते हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं कि एनिमेशन के पहले से पीसेस होते हैं। तो ये आप अपने वीडियोस पर, टेक्स्ट पर, शेप्स पर जो है इनको यूज कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो से मैंने आपको बैकग्राउंड का सेक्शन और टेक्स्ट का सेक्शन बता रखा है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं और बाकी क्या क्या ऐसे प्रीसेट्स हैं। तो जैसे फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आता है बिहेवियर। अब बिहेवियर पे आपने यहाँ एरो पे क्लिक करना है। तो इस पे एरो पे क्लिक करते इसके जितने भी इफेक्ट्स हैं सारे खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑटो स्क्रोल हॉरिजॉन्टल, यानी किसी भी चीज़ को, चाहे वो टेक्स्ट हो, शेप हो या वीडियो हो, ये डालते ही वो ऑटो स्क्रोल होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे मैं इसको इस पर ना यूज़ करने के बजाय मैं टेक्स्ट पे यूज़ करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट लिख लिया, और तो इफेक्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। एंड कलर कॉम्बिनेशन जो है आप उसको नॉर्मली सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना है आपको। तो यहाँ से मैं फिलहाल वाइट लेता हूँ, और आप चाहो तो इसमें डॉप शेडो भी डाल सकते हैं। वैसे तो ब्लैक है और ये डार्क वीडियो, तो डालने की जरूरत नहीं है, हम यही रखते हैं, ओके। अब आपको कैसे यूज करना है, सिंपली आपको जाना है इफेक्ट्स पे, इफेक्शन प्रीसेट्स पे, और यहाँ पे बिहेवियर ऑटो स्क्रोल हॉरिजॉन्टल लिया हमने, और इसको मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो अब आप प्ले करेंगे, ठीक है, यहाँ से प्ले कर दीजिए या नॉर्मल स्पेस से भी। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टली अपने आप ही स्क्रोल हो रहा है, हमने मैनुअली इसमें एनिमेट नहीं किया। जो भी टेक्स्ट होगा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट जो है वो चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके। बाकी इसके पैरामीटर्स भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कितना रखना है आपको वो यहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड जैसे अभी स्लो हो रही है, थोड़ा फास्ट करना है या फिर इससे भी ज़्यादा आपको स्लो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कितना 100 है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्पीड जो है वो 50 के आस हो रहा है, स्पीड हमने 50 कर दिया। अब इफेक्ट देखते हैं कैसा आ रहा है, तो देखिए काफ़ी स्लो हो गया, यानी अगर आप वैल्यू कम करेंगे तो स्पीड स्लो हो रही है, और आपको बढ़ाना है तो वापस से यहाँ पे चाहिए, पहले 100 था तो इसमें मैंने 150 कर दिया, अब फास्ट हो जाएगा, नॉर्मल के अकॉर्डिंग फास्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप अभी जैसे क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, अगर हम चाहते हैं कि राइट से लेफ्ट जाए तो आपने ना ये माइनस करना होगा इसकी स्पीड, ठीक है, 150 है ना, इसके स्टार्टिंग में माइनस लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से हुआ क्या, अब आप प्ले करेंगे बेसिकली वो लेफ्ट राइट में जो है मैंने माइनस करते ही वो रिवर्स हो जाएगी स्पीड यहाँ से, ठीक है ना। तो वो चीज़ सेट कर सकते हैं, और इफेक्ट आपको हटाना है तो यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, जो हमें इफेक्ट डाले हैं इसको आपने डिलीट कर देना है, तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, उसका एनिमेशन नहीं होगा। जो भी मतलब इफेक्ट्स आप यहाँ डालते हैं नीचे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर से, इसमें से आप जो भी डालेंगे तो वो डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे ये था हॉरिजॉन्टल में, ये होगा क्या, स्क्रॉल वर्टिकल होगा ऑटोमेटिकली। जैसे हमें वो लाइक दिखाना ना मूवी के एंड में जब होता है ना, नीचे से ऊपर ये जाती है, लिखा था डी एंड, तो वैसा कुछ आपको दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे मैं इसी में ही यूज करता हूँ, हमने लिख दिया यहाँ पे डी एंड, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर लूंगा, यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं, सिलेक्शन टूल से मैंने इसको यहाँ रख लिया, फिर नीचे जो भी आपको लिखना है कास्ट उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी हो तो वो सब लिख सकते हैं। अब इस पर आपको एनिमेट करना है तो सिंपली आप नीचे यहाँ से आइए और इफेक्शन पीसेस पे आइए, और यहाँ से ऑटो स्क्रोल वर्टिकल हम इस पर डाल देंगे, या इस पर, दोनों में से किसी भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो प्लस इस लेयर पे भी डाल सकते हैं। तो अब आप प्ले करेंगे तो क्या होगा, वो नीचे से ऊपर प्ले होगा, काफ़ी स्लो हो रहा है, फास्ट करना है, तो यहाँ से जो स्पीड है अभी ये -25 है, ठीक है, इसलिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो माइनस में रखना है, तो माइनस मैंने 150 कर दिया, ठीक है। अब आप प्रीव्यू में जाके प्ले कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आके यहाँ से प्ले, इस तरीके से फास्ट हो गया, ठीक है। और आप चाहते कि नहीं ऊपर से नीचे आए तो फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ये ऑटो स्क्रोल के सेक्शंस रहेंगे और अलग अलग है। अब इसमें ड्राफ्ट ओवर टाइम है, इसमें कुछ कैसा होगा, लेट्स सी। तो मैं इसको हटाता हूँ, ऑटो स्क्रोल और मोशन टाइज भी हटा दिया। अब यहाँ से ले लिया हमने ड्राफ्ट ओवर टाइम और ये मैंने इस पर डाल दिया, इस पर कैसे एनिमेट होगा, कुछ इस तरीके से लेफ्ट से
राइट क्यों रहने दो। और ध्यान रखना ये सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं, अगर आपका कोई शेप है, वीडियो है, ठीक है, सब पे वर्क करेगा, कोई 3D फाइल है उस पर भी वर्क करेगा बेसिकली। तो इस तरीके से सारे हैं ना, ये अलग अलग एनिमेशन है, तो ये सारे आपको चेक करने हैं। अब इसमें एक और सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे विगल्स का आता है। विगल्स में क्या होता है कि ये अपनी जगह पे रह के एनिमेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ रख दिया, और अब विगल्स में अलग अलग है, जैसे पोजिशनिंग लेंगे तो इसमें लेफ्ट राइट हिलेगा थोड़ा सा अपने आप ही, रोटेट में हल्का हल्का रोटेट होगा, इसमें छोटा बड़ा होगा, इसमें तिरछा होगा। जैसे मैं एक लेता हूँ, लाइक मैंने क्या किया अभी, स्केल ले लिया, छोटा बड़ा होगा रैंडमली, तो ये मैंने इस पर डाल दिया। तो अभी क्या होगा, अपनी जगह पे रहते रहते जो है ना स्केल होगा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा सा थोड़ा सा होता है, मतलब वहां पे डांस करता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से देखो ये स्ट्रेच आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेच हो रहा है, फिर दब रहा है ना, इस तरीके लेफ्ट राइट से अपने आप हो रहा है। और इसकी भी स्पीड वगैरह आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, कितना ज्यादा हो, स्लो हो, फास्ट हो, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं इसके व्हीकल्स के स्केल के अंदर, ठीक है। और अंडू करेंगे हट जाएगा। फिर अगर मैं लेता हूँ सिर्फ रोटेशन में, तो रोटेशन में क्या होगा, अपनी जगह पे वो रोटेट होता रहेगा। अब कितना एंगल रोटेट हो, जैसे अभी 30 डिग्री है, तो मैक्सिमम 30 डिग्री जाएगा, 0 से 30 तक, है ना, 10 करना है, 15 करना है, कई बार होता है कि कुछ लिखा हो तो वहाँ रैंडमली एनिमेट होता रहता है ऐसे, ठीक है। तो वो सब भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, स्पीड और उसका जो एंगल वगैरह है वो सब आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रोटेट का हो जाएगा, पोजिशनिंग में लेफ्ट राइट मिलेगा। ग्लिटिन में क्या होगा, लेट्स सी, ये लिया मैंने, इस पे डाल दिया, तो इसमें कुछ इस तरीके से, जैसे कही बताए टेक्स्ट आता है इस तरीके से इफेक्ट होगा, अभी बना सकते हैं इस तरीके से, ये भी अच्छा है। जैसे इसके थ्रू कई लोग इंट्रो बना देते हैं ऐसे होके, फिर दूसरा टेक्स्ट आ रहा है वैसे, ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ग्लिटिन का हो जाएगा। फिर अंडू करते हैं, तो यहाँ से अगर हम लेते हैं विग कैमरा, टेक्स्ट पे आ जाइए, टेक्स्ट को यहाँ रखा, तो यहाँ से ले लिया विगल, शेयर में तिरछा टाइप का होगा, और विगल लैम्बा में लेते हैं, इसमें देखिए इसमें हल्का छोटा बड़ा भी हो रहा है, प्लस रोटेट भी हो रहा है, तिरछा भी हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग विगल टाइप करें। अब आप चाहो तो यही सेम चीज, जैसे मैंने इस बार क्या किया, टेक्स्ट पे यूज किया, मैं वीडियो भी यूज करना चाह रहा हूँ, तो वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, और वीडियो पे जो है मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ सिर्फ रोटेशन वाला, या फिर स्केलिंग यूज कर लेते हैं, स्केलिंग अच्छा लगेगा, अभी वीडियो के अंदर होता रहेगा अपने आप, क्या हो रहा है वीडियो आपको जिससे यहाँ पता लग रहा हो, ये देखो क्या हो रहा है, छोटा बड़ा इस तरीके से रैंडमली हो रहा है, ठीक है। या कोई शेप लगा रखे हो उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है सारे। ये सारे चेक करने हैं आपको किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है बिहेवियर्स में। फिर नेक्स्ट आता है इमेज क्रिएटिव्स, यहाँ पे इमेज पे रहेगा, ये सारे इसमें कलर कॉम्बिनेशंस के रहेगा, जैसे इसमें ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, इसमें गोल्ड हल्का सा इफेक्ट आ जाएगा, इस तरीके से अलग अलग रहेंगे, इसमें स्काई ब्लू इफेक्ट आ जाएगा। फिर जैसे मैं लेता हूँ ब्लू ब्राइट, ये लिया और वीडियो पे डाल दिया, तो क्या होगा, हल्का सा ब्राइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे बेसिकली अलग अलग पीसेस हैं, तो इसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। ग्रे स्केल दिखाना है आपको, तो यहीं से आप ग्रे स्केल भी कर सकते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कलर कॉम्बिनेशन के इफेक्ट हैं, और इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन के आएंगे, इमेज स्पेशल इफेक्ट्स में भी कलर कॉम्बिनेशन टाइप के आएंगे। जैसे क्या चेक करते हैं, जो पहले डाल के उसको हटाना है तो यहाँ से डिलीट कर दो। जैसे अब मैंने यहाँ से बैड टीवी ले लिया, जो पुराने टीवी में आता था उस टाइम में, टीवी इफेक्ट टाइप में आया कुछ ऐसे, जैसे अभी भी वीडियो में बीच में आता कुछ कुछ के लिए ऐसे लाइन्स टाइप की आ रही, जैसे टीवी इफेक्ट्स हो गए, ओल्ड टीवी पुराना टीवी इफेक्ट दिखाना जैसे इस तरीके से होता था ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओल्ड टीवी इफेक्ट टाइप के हो गए, बैड टीवी भी डालेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है। क्रैक टाइल कर देंगे, तो इस पर क्रैक टाइप का टाइल वो टाइप आएगा, इस तरीके से टाइल्स टाइप का आ जाएगा, ठीक है। इस टेबल मतलब रहेंगे तो ऐसे अलग अलग रहेंगे, नाइट डिवीजन लेंगे तो ग्रीन टाइप समथिंग कुछ आ जाएगा, ऐसे नाइट डिवीजन आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि पूरी क्लिप एक है तो ऑटोमेटिकली पूरी क्लिप पे आएगा, अगर हमें पर्टिकुलर पार्ट पर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसको कट करके आपको कटिंग लगानी पड़ेगी, और फिर आपको ये इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए इस तरीके से बेसिकली स्पेशल इफेक्ट हो गए सारे।
ये वाले भी चेक कर लेना कैसे क्या है। तो ये और बहुत सारे आपने चेक कर रहे हैं क्या, इमेज यूटिलिटीज पे जाएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। फ्लिप कर देंगे जैसे यहाँ से तो ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जाएगा, ऐसे टॉप टू बॉटम फ्लिप हो गया, ठीक है। और बाकी आप एंगल यहाँ चेंज कर सकते हैं, फ्लिप कैसे हुआ जैसे 90 डिग्री पर हुआ है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं ये एंगल कैसे आपको रखना है, कैसे फ्लिप करना है, और यहाँ से भी रोटेट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली डरा हुआ है, फ्लिप एंड फ्लॉप लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हो गया, यानी 180 डिग्री पे कह सकते हैं कि पूरा वो घूम गया 180 डिग्री पे, ठीक है। फ्लॉप लेंगे तो लेफ्ट टू राइट यानी हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग इनवर्ट अल्फा ले लेंगे तो इसमें आई थिंक ब्लैक एंड टाइप में, नहीं इसमें ब्लैक अल्फा टाइप का हो गया, तो ये तो इसमें काम नहीं आएगा। इस तरीके से रहेंगे आपके जो है सभी चेक करना है, ठीक है। ऐसे भी शेप्स पे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग शेप्स टाइप के आ रहे हैं, बैकग्राउंड्स पे जाएंगे तो कुछ यहाँ बॉक्स फ्रेम टाइप में है, ये अगर आप लेते हैं ये आप डालेंगे सेकंड एनिमेटेड शेप्स, ठीक है। इसको आपको शेप पे डालना पड़ेगा बेसिकली, यहाँ पे अभी कुछ इसमें इम्पैक्ट पता नहीं लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ से जो है आप कोई शेप बना लो, जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया ओवल, अभी मास टाइप का बन रहा है, तो पहले डीसेलेक्ट कर दो, कोई भी लेयर सेलेक्ट मत करो और फिर बनाइए, ठीक है। अब ये शेप्स है, इस पे ले रहा हूँ मैं बॉक्स स्वैम, ये डाल दिया इस पर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, किसी भी शेप पर डालेंगे रैंडमली इस तरीके से, मतलब ये एनिमेट होता रहेगा, ठीक है। इस पूरे को आप छोटा करके दिखा सकते हैं, मान लो हल्का सा दिखाना है कहीं पे साइड में कॉर्नर पे, तो ये अपने आप होता रहेगा, ऐसे ये रहा। अब आप इसको प्ले कीजिए, ठीक है, और ये हल्का सा इन ओपेसिटी कम है जिसकी वजह से बैकग्राउंड भी आपका दिख रहा है इस तरीके से। तो ये सारे आपने चेक करने हैं, ऐसे साउंड वाले हैं तो साउंड में छोड़ेंगे, साउंड में किसी में थोड़ा सा हल्का सा ब्लड साउंड कह रहा हूँ, हल्का सा नॉइज किसी में हटेगा, किसी में थोड़ी सी मोटी आवाज हो जाएगी, ऐसे सारे इफेक्ट्स रहेंगे, बाकी टेक्स्ट के बताए रखे हैं आपको यहाँ पे, तो ये ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये सारे चेक करने हैं जितने भी सारे प्रीसेट्स हैं, और जो आपको इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको बेसिकली आपने यूज़ करना है। चलिए तो आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं।